श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 64। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद, हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्रीराम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित वानर दधिमुख ने श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे शूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर युद्धपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद्रहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन मूत्रेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाए और मधु पीजिए। ये सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके चाचा वानर राज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की यह बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा। वानर युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्रीराम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानर राज सुग्रीव हैं। वानर पोंगवो, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। राजन, कपिश्रेष्ठ, स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा। प्रायः सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत हो अहंकारवश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपकी यह बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग भी जहां वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान हैं, वहां चलने के लिए उत्साहित हो यहां आपके समीप आए हैं। वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानर युद्धपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे।
अंगद के निकट पहुंचते ही वानर राज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमलनयन श्री राम से कहा, प्रभो धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। शुभदर्शन श्री राम, अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती। मेरे बाप दादों के इस मधुवन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जंक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है, उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जाम्बवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हों, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले ये संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें, ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास आगर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वो सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची कर दी। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानर राज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें ये बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है, इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीतियुक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा।